राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता में विपक्षी दलों और विपक्षी नेताओं को तो आपने आमने सामने होते खूब देखा होगा, पर इस राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में एक ही पार्टी के नेता आपस में उलझ जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसे कितने उदाहरण हैं जिसे आपने देखा होगा, जरा याद करके देखिए। छोड़िए, अगर याद नहीं आ रहा है तो, और चलिए हम आपको चास लेकर चलते हैं। जहां भारत की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता, दो बड़े प्रतिष्ठित पद पर बैठे नेता अपनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर कैसे आमने सामने हैं। अब की बार 65 पार के नारे के साथ विधानसभा के चुनाव में उतरने जा रही भारतीय जनता पार्टी के बोकारो के दो बड़े नेता आज आमने सामने हैं। बीजेपी के ये दोनों नेता, इनमें से एक बोकारो के माननीय विधायक हैं तो दूसरे चास के माननीय मेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि विधायक ग्रिंची नारायण और मेयर भोलू पासवान को इस हद तक आना पड़ा। तो आपको बता देते हैं कि यह पूरा का पूरा मामला जिस मुद्दे और जिस योजना को लेकर है वह है चीरा चास से तालगड़िया मोड़ तक बनने जा रही सड़क। इसी सड़क को लेकर विधायक ग्रिंची नारायण और मेयर भोलू पासवान आमने सामने हैं। यानी एक सड़क को लेकर जिले में बीजेपी के दो बड़े नेता सड़क पर हैं। दोनों को शायद यही डर है कि इस सड़क के निर्माण का श्रेय दूसरे को न मिल जाए, इसलिए दोनों में से कोई भी कदम पीछे खींचने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। अगल बगल होने की जगह आमने सामने होने की इस कवायद की शुरुआत उस समय हुई जब बोकारो के विधायक ग्रिंची नारायण दल बल के साथ इस सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे। विधायक ग्रिंची नारायण ने लाव लश्कर के साथ इस सड़क का धूमधाम से शिलान्यास कर दिया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित जेई ने इस योजना को विधायक की देन बताने का काम कर दिया। तो वह रोड था पथ निर्माण में इन्हीं के प्रयास से लाया गया है, इसलिए इसका लागत है 7.5 करोड़। वहीं विधायक ग्रिंची नारायण ने भी अपनी बात उपस्थित लोगों के बीच इस शिलान्यास के माध्यम से रखी। सरसों पुराना यह डिमांड चीरा चास वासियों का था, और सच पूछिए तो ये चास और बोकारो को जोड़ने के लिए ये एक लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन की तरह यह काम करती है सड़क। यह सड़क पहले आरियो के अधीन आता था, और आरियो से अगर बनाना होता तो मैं पहले ही साल बना देता। आरियो से पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट कराना बड़ा टफ काम है, और जो विभाग के अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ इंजीनियर हैं, वो भली भांति इस चीज़ों को जानते हैं। मैंने बहुत मेहनत करके और इसको आरियो से पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट कराने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी स्टूडियो इंजीनियर साहब से बात हुई है, और मैंने इनसे आग्रह किया है कि आपने कहा है कि 5.5 मीटर, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर जहाँ जगह है, जैसे यहाँ जहाँ भी आपको जगह महसूस होता है कि यहाँ जगह भी, यहाँ काफ़ी चौड़ा जगह है, तो वहाँ आप 7 मीटर भी करिए, 7.5 मीटर भी कर दीजिए, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे जगह चास नगर निगम क्षेत्र में सड़क का शिलान्यास हो रहा हो और चास के मेयर उपस्थित ना हो, उसी समय लोगों को कुछ अंदेशे का अंदेशा हो रहा था। और इसकी प्रतिक्रिया कुछ ही समय बाद मेयर भोलू पासवान ने यह कहकर दे दी कि शिलान्यास समारोह में उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया, जो उनके साथ साथ दूसरे जनप्रतिनिधियों के लिए अपमान है। एक सड़क को लेकर सड़क पर उतरने की इस आमना सामना में मेयर भोलू पासवान सिर्फ प्रतिक्रिया देने तक नहीं थमे। बोकारो विधायक के शिलान्यास के जवाब में उसी अंदाज में मेयर भोलू पासवान ने गाजे बाजे के साथ शिलान्यास पट लेकर
पहुंचे और शिलान्यास का जवाब शिलान्यास से दे डाला। मेयर भोलू पासवान ने इस शिलान्यास समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष को भी खड़ा कर डाला। देखिए राजनीति क्या कुछ नहीं करवाती। अब बोकारो विधायक ब्रिंची नारायण और चास मेयर भोलू पासवान के इस आमने सामने की राजनीति में इन दोनों का चाहे जो हो, पर उस भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? उसके कार्यकर्ताओं में आखिर क्या संदेश जाएगा जो भाजपा अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है? उस भाजपा का क्या होगा जो अपने आप को एक अनुशासित पार्टी कहती है और अपने इसी अनुशासन का हवाला देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में अब की बार 65 पार का सपना देख रही है। Thank you.